गुड मॉर्निंग क्लास वन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में रिमझिम में पाठ 17 चकई की चकदुम एक बहुत ही प्यारी सी कविता पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस कविता के कवि श्री रमेश तैलंग हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में ग्रामीण मतलब गांव के जीवन को दर्शाया है। ठीक है, और बहुत ही सुंदर चित्रों से भी दर्शाया गया है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं इस कविता को। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। तो बच्चों, अब हम इन कविता की पंक्तियों को देख लेते हैं कि इन ये जो कविता की पंक्तियां हैं वो हमें क्या कह रही हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। चकई की चकदुम, चकई की चकदुम। बच्चों, इस कविता में बच्चे एक खेल खेल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? चकई की चकदुम। गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम। बच्चों, गांव की मड़ैया, मड़ैया मीन्स होती है जो मिट्टी की कुटिया होती है उसे मड़ैया बोलते हैं। साथ रहे हम तुम मतलब बच्चों, चकई की चकदुम गाना गाकर बच्चे कह रहे हैं कि हम जो गांव की झोपड़ी है, कुटिया है मिट्टी की, उसमें हम साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है, चकई की चकदुम, चकई की चकदुम, ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। बच्चों, ग्वाला हम किसे बोलते हैं? जो गाय पालता है। ठीक है, और गैया मीन्स गाय। दूध पिए हम तुम यानी बच्चों, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, और जो ग्वाले की गैया है उसका हम दूध पिएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करें हम तुम। बच्चों, कागज की नैया, नैया मीन्स क्या होता है बच्चों? नाव। पार करें हम तुम मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि हम जो कागज है उसकी नाव बनाएंगे और उसको पार कराएंगे, जैसे नहर होती है पानी की, ठीक है, या छोटे छोटे तालाब होते हैं तो उसको वो पार कराएंगे। ठीक है, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। ठीक है बच्चों, तो फुलवा यानी कि फुलवा किसी का फूल, यानी कि फुलवा मीन्स होता है बच्चों फूल की बगिया, यानी कि बगिया यानी कि बहुत सारे जहाँ पर फूल होते हैं, फूल चुने हम तुम मतलब बच्चे कह रहे हैं कि हम चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, और जो फूल की बगिया है उस पे से हम फूल चुनेंगे। ठीक है, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल ख़त्म भैया आओ चले हम तुम। मतलब बच्चों, अब उनका खेल ख़त्म हो गया है और अब वो अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको इस पृष्ठ पर और जो आपका पहला पृष्ठ है उस पर भी आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, देखिए बच्चों कितने प्यारे चित्र है ना, जैसे गांव का जो परिवेश होता है, गांव का जीवन होता है, वैसे ये चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, आगे भी देखिए बहुत सारे सुंदर सुंदर चित्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है ये चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बनाए गए हैं। देखो बच्चों कितने सुंदर चित्र हैं, है ना। तो बच्चों आप भी इन सभी चित्रों को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।